हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिक्ता। आगे कोलकाता 365 से नया वीडियो लेके आज बनाएंगे आम का शरबत। इस गर्मी में एक ही चीज़ है आपको ठंडक दे सकते हैं, वो है आम का शरबत। आज बनाएंगे आम पोड़ा और कोई बोल सकते केरी का शरबत। तो पहले इधर मैं आम को थोड़ा गैस का चूल्हा में सेक लेती हूँ, और तब तक सेकना है जब तक आम का स्किन ब्राउन कलर और ब्लैक कलर नहीं हो जाता, तब तक इसको सेकना है। और यहाँ पर देखिए, मैं एक ग्रीन चिली भी लिया हूँ, इसको भी आग में मैं सेक लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है, और शेयर भी करना। फेसबुक पेज है कोलकाता 365, उसको भी जाके प्लीज़ फॉलो भी करना। प्लीज़ 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 मेरा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करना। तो आम यहाँ पर रेडी हो गया। अभी आम को सेकने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आम का छिलका हटा के उसके आम और ग्रीन चिली दोनों एक साथ पेस्ट कर लेंगे। तो इसके आम का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर शुगर लिया हूँ मैं, जीरा पाउडर घर में बनाया हुआ। इधर मैंने काला नमक और रेगुलर सॉल्ट यूज़ किया हूँ, आप जौल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई कोई शुगर के बदले मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आम का पेस्ट रेडी हो गया। अभी आम का पेस्ट में कुछ नहीं दिया, सिर्फ ग्रीन चिली और कच्चा आम का जो पेस्ट मैंने बना के रख दिया। यहाँ पर एक ग्लास ले लिया, उसके अंदर 2 चम्मच आम का पल्प मैं दे दूँगी। अभी इसमें रेगुलर वाटर दे रही हूँ, आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इधर चीनी दे रही हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पर काला नमक और रेगुलर जो सॉल्ट यूज़ करते हैं किचन में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा करके दे दिया। और घर में बनाया हुआ जीरा पाउडर, ये भी थोड़ा ऊपर से दे दिया मैंने। और किसी को जौल जीरा पसंद है तो थोड़ा जौल जीरा भी दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट देख के करना, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा सॉल्टी सॉल्टी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 क्यूब आइस का दे दिया इधर। इस मैंगो पल्प को आप 2 से 3 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया ये आम पोड़ा और केरी का शरबत और कच्चे आम का शरबत। इस गर्मी में आप लोग सब पीना और मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। आज के लिए इतना तक।